आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो मैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चे कुछ नहीं तो बहुत कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। हर बच्चा चाहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी बच्चा हो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। गवर्नमेंट जॉब उसके घर वाले भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन बच्चे का गवर्नमेंट जॉब में कहाँ नंबर आ रहा है। दिक्कत होती है, कंपटीशन होता है, बैंक में चले जाइए, रेलवे में जाइए, डाकखाने में जाइए, और जो आपका है बैंकिंग सिस्टम में जाइए, PSUs में जाइए, नेवी में जाइए, हर जगह कंपटीशन है। जितने बच्चों को देखो सब बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन दूँ तो थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आता है कि जैसे बच्चे मान लीजिए किसी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का, जैसे मान लीजिए रेलवे है, रेलवे का अगर मान लीजिए फॉर्म निकलता है, बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं होने के बावजूद भी वो बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद उनका क्या होता है, अगर वो मान लो एलिजिबल नहीं है तो वो बच्चे जो है उनका पैसा गवर्नमेंट वापस कर देती है। अगर गवर्नमेंट वापस करती है तो गवर्नमेंट उस नेट बैंकिंग यूजर्स को वापस करती है जिसके अकाउंट से वो पैसा जाता है। मोस्टली ज़्यादातर बच्चे साइबर कैफे पे ही फार्म भरवाते हैं। ऐसे सिचुएशन में साइबर कैफे वाला अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। जब नेट बैंकिंग का साइबर कैफे वाला इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है वो पैसा भी उसके ही खाते में वापस आता है। आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है, आपको इतनी जानकारी मिलती है कि वो पेपर कैंसिल हो गया या उस पेपर में आप एलिजिबल नहीं है या आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन आपके खाते में पैसे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल तो किया नहीं है, तो इसलिए नेट बैंकिंग का पैसा आपके अकाउंट में तो आएगा नहीं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जिसने अपने अकाउंट से पेमेंट किया था। इस कंडीशन में अकाउंट में नेट बैंकिंग में जो इस्तेमाल किया गया है पैसा, उस खाते में पैसा वापस आता है तो वह है साइबर कैफे वाला। साइबर कैफे वाले के खाते में पैसा आ जाएगा वापस, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से मेरा मानना है कि अगर आप जब भी कभी फार्म भरें तो अपने ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, तो इससे आपको काफ़ी क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप नुकसान से भी बच जाएंगे और आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि आपने जिस चीज़ का फार्म भरा था उसमें आप एलिजिबल नहीं रहे, यानी आप उसके योग्य नहीं रहे और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस भी आ गया। इस प्रकार से आज की जानकारी सिर्फ इसी टॉपिक पर थी कि बच्चों को किस तरीके से नेट बैंकिंग की जानकारी दी जाए और बच्चों को कैसे उनके कमाई का, माँ बाप की कमाई का एक हिस्सा उनके पास वापस किया जा सके, उनको बचाया जा सके। तो इसी के साथ ही आपको अगली अपडेट जो हम देने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब किस तरह से हासिल की जा सके इसके बारे में देंगे। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको अगली अपडेट की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसा नहीं हुआ तो आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको कैसे मिल पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।